हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टेमिस मिशन के बारे में और ये जानेंगे क्या है आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 मिशन, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि किस तरीके से नासा जो है इंसानों को पहुंचाएगा चांद पे और किस तरीके से 2030 तक। नासा का कहना है कि हम वहाँ पर जॉब करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे और किस तरीके से नासा क्या करेगा इंसानों को बहुत ही आसानी से चांद पर पहुंचा पाएगा, और ये वैसा ही होगा जैसा कि हम एक शहर से किसी दूसरे शहर में जाते हैं वापस आते हैं, उसी तरीके से हम क्या करेंगे 2024 से लेकर 2026 तक हम चांद पर जाने और आने लगेंगे और 2030 तक वहाँ पर रहने लगेंगे जैसे हम धरती पर रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर जगह न्यूज छाई हुई है। आर्टेमिस 1 क्या हुआ है, आर्टेमिस 1 का स्पेस क्राफ्ट ओरियन चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है, उनके कक्षा में स्थापित हो चुका है। कितने दूर है ये, 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये और कितने करीब जाएगा, लगभग 160 से 168 किलोमीटर करीब जाएगा चंद्रमा की सतह से, फिर क्या होगा ये वापस आ जाएगा। क्यों वापस आएगा अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है क्यों है और ओरियन क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक होता है रॉकेट, ठीक है, जब रॉकेट छोड़ा जाता है, ठीक है, किसे छोड़ा जाता है, लॉन्चिंग से छोड़ा जाता है, लॉन्चिंग सिस्टम होता है उसके तहत ये छोड़ा जाता है। लेकिन जब रॉकेट आप देखेंगे यहाँ पे जब छोड़ा जाता है उसके ऊपर एक छोटा सा ये कैप्सूल लगा होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही हमारी स्पेस में पहुंचता है ये क्या होता है, ये कैप्सूल इस रॉकेट से अलग हो जाता है और ये क्या करता है अपने गोल पे ये निकल जाता है। ये कभी कभी तुरंत नहीं निकलता है गोल पे, कभी कभी धरती का चक्कर लगाता है। क्यों चक्कर लगाता है, ताकि इसको मोमेंटम मिल सके और सही वक्त का ये इसको मौका मिल सके, ताकि ये अच्छा मोमेंटम लेके क्या करे ये आगे बढ़ सके। कभी कभी आप ये सोचते होंगे सर कि ये जो स्पेस में रॉकेट होते हैं ये जो इतने दूर तक जाते हैं कैसे जाते हैं, इतना फ्यूल इनमें कहाँ होता होगा, हम तो गाड़ी चलाते हैं हमारा एक लीटर तो एक घंटे के अंदर खत्म हो जाता है, पर ये हजारों हजारों किलोमीटर जाते हैं ये कैसे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्यूल का यूज इनको जाने के लिए नहीं होता है, मेन फ्यूल का यूज इनका तब होता है जब ये धरती से क्या होते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं। एक बार ये कक्षा में स्थापित हो गए तो फिर ये ग्रेविटी का यूज करके चलते रहते हैं। आप पूछेंगे अरे ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए ये कैप्सूल है, ये क्या कर मैं धरती का चक्कर लगाया फिर झटके से निकला, अब ये जो निकल गया अब ये रुकेगा नहीं, इसको फ्यूल की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है उसमें ये न्यूटन यही बताते हैं कि कोई चीज़ तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे स्टैंडर्ड फोर्स ना लगाया जाए। स्पेस में क्या है, जीरो ग्रेविटी है, इस वजह से ये लगातार चलते रहते हैं बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी एफर्ट के। इनका फ्यूल तब हम यूज करते हैं जब हमको क्या होता है कि कहीं मोड़ना है, कक्षा में स्थापित करना है, लैंडिंग करनी है, वहीं पर इनका फ्यूल हम यूज करते हैं, बाकी ट्रैवलिंग में इनका फ्यूल नहीं यूज होता है। ज़्यादातर ये क्या करते हैं ग्रेविटी की ही मदद से आते हैं जाते हैं। जब ये चंद्रमा की कक्षा में ये जाते हैं, जैसे कि ये क्या है जो ओरियन है, ठीक है, आर्टेमिस 1 का जो ओरियन है ये स्पेस क्राफ्ट है जो आप देख रहे हैं, ये धरती की कक्षा से निकला है, यहाँ से ये धरती है ये चांद है, यहाँ के कक्षा से निकला, अब ग्रेविटी की वजह से यहाँ से गया, अब ये क्या करेगा यहाँ पे घूमेगा, घूम के क्या होगा फिर से धरती पे वापस आ जाएगा बिना किसी फ्यूल के, ये इसका काम है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये किससे लॉन्च हुआ था, LS, ठीक है, इससे लॉन्च हुआ था, सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम जो नासा के पास है जो बहुत ताकतवर है, ये 16 नंबर को लॉन्च हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया था 130 किलोमीटर के आसपास उसके जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि नासा ये टेस्ट करेगा कि जब हम इसी कैप्सूल में इंसानों को भेजेंगे तब क्या ये किफायती होगा, क्या ये वैसे ही काम करेगा जैसा हमने सोचा है। तो एक तरीके से जो आर्टेमिस 1 है वो क्या है, टेस्टिंग है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्या होगा, ये चांद पे हम भेजेंगे, लेकिन कैसे भेजेंगे, देखिए चांद पे जब इंसान को भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा 2024 में, लेकिन उससे पहले नासा ये सोच रहा है कि हम क्या करेंगे, चांद पे डायरेक्ट इंसानों को नहीं उतारेंगे, वो क्या करेंगे गेटवे बनाएंगे। गेटवे मतलब एक स्टेशन बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, जो जैसे चांद है ये मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लीजिए हमारा ये चांद है, ठीक है, चांद मान लीजिए चांद ही है हमारा, धरती था हमने इसको चांद बना दिया, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे छोटा सा स्टेशन बना लेंगे, ठीक है। अब वो स्टेशन पे क्या होगा, जब 2024 में इंसानों को भेजा जाएगा, ठीक है, जब 2024 में इंसानों को भेजा जाएगा तो पहले क्या होगा, जो यहाँ पे कैप्सूल या जो रॉकेट आएगा यहाँ पे क्या होगा स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे आके पहले जुड़ेगा, और जुड़ के क्या होगा आराम से घूमेगा, खूब चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाते लगाते जब इसको क्या होगा मौका मिलेगा तब आराम से यहाँ पे क्या होगा उतरेगा, ठीक है। इससे ये फायदा होता है, फायदा ये होता है कि मान लीजिए हमको इसी स्पेस क्राफ्ट को हमको कभी मार्स भेजना हुआ,
तो क्या होगा, यहाँ पे है, यहाँ से लॉन्च करना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे अब कोई फ्यूल खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। नहीं तो इन्हीं रॉकेट्स को क्या, एक बार आपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया तो फिर से धरती से हमको बार बार लॉन्च करना पड़ता था, जो कि स्पेस स्टेशन जैसे हमारी धरती पे है वैसे यहाँ पे गेटवे जो बन जाएगा तो हमको क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा फ्यूल बचेगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाएगी, रॉकेट खराब होने के चांस बढ़ जाए, मतलब चांस कम हो जाएंगे, और इंसानों को भेजना आसान होगा क्योंकि इंसानों का जान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, खास करके साइंटिस्टों के लिए, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी पे क्या होता है, लोगों को भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसकी जो स्पीड है लगभग 1700 किलोमीटर के आसपास है पर हावर, मतलब इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप एक घंटे में यूपी से आप क्या कर सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, दो घंटे में जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, इतनी इसकी स्पीड है। कितनी दूरी पर है ये मैं आपको बता दूं, लगभग 3,70,000 के आसपास है। ठीक है, और इसका अगर डायमीटर्स में जोड़ दिया जाए, चांद का जब दूसरी तरफ ये जाता है तो डायमीटर जुड़ जाता है तो दूरी बढ़ जाती है, लगभग वो चला जाता है कितना, 4,00,000 के आसपास चला जाता है, ये इसमें होता है। ये तो हमने समझ लिया कि चलिए ये है वो है, लेकिन सर आप पूछेंगे सर ये आर्टेमिस 1 क्या है, फिर आर्टेमिस 2 क्या है, फिर आर्टेमिस 3 क्या है। आर्टेमिस एक जो पूरा मिशन है उसमें यही है कि हमको इंसानों को चांद पे भेजना है, कॉलोनी बसानी है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो स्पेसएक्स है वो भी प्रॉपर कोशिश कर रहा है कि 2030 तक हम क्या करें, मंगल पे इंसानों को बसा सकें। ठीक है, तो नासा चांद पे सोच रहा है पर एलन मस्क थोड़ा सा ऊपर सोचते हैं। तो आर्टेमिस 1 क्या है, टेस्टिंग है। आर्टेमिस 2 क्या है, कि हमको एक गेटवे बनाना है चांद पे और इंसानों को चांद पे उतारना है, जिसमें क्या होगा, एक महिला और एक इंसानों को उतारा जाएगा, सिर्फ दो लोगों को। कुछ कहीं कहीं ये भी चर्चा होती है कि शायद रोबोट्स को भी भेजा जाए, ठीक है, आर्टिमिस रोबोट्स को भेजा जाए काम करने के लिए। तो आर्टिमिस 2 में ये होगा, और 3 में क्या होगा दोस्तों, 3 में योजना ये है जो 2026 में होगा। ठीक है, उसमें योजना ये है कि 2026 में क्या होगा कि जो कॉलोनी है उसको बनाना शुरू कर दिया जाएगा और इंसानों का आना जाना चालू कर दिया जाएगा। 2024 में पहली बार इंसानों को भेजा जाएगा आर्टिमिस 2 के द्वारा, 2026 में आर्टेमिस 3 के द्वारा क्या होगा, वहां पे कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया जाएगा। और जो नासा का लक्ष्य है 2030 तक, क्या 2030 तक कि हम क्या करेंगे, वहां पे कॉलोनी बना लेंगे और प्रॉपर रहेंगे। ये तो बात हो गई, चलिए सर ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो सफर है इतना आसान नहीं है, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि नासा ने इससे पहले बहुत सारा काम किया है, इसरो ने भी किया है और बाकी दुनिया पूरी कर ही रही है। तो ये मान के चलिए कि 2030 तो उससे भी लेट हुआ थोड़ा बहुत, तो 2035 तक हम क्या करेंगे, चांद पे रहना शुरू कर देंगे। और आने वाले भविष्य में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है, क्या पता जैसे हम एक शहर में जाते हैं वैसे ही घंटों में वहाँ पे जाएं, घंटों में वहाँ से आएं। तो दोस्तों ये छोटा सा एक लेक्चर था कि जो ओरियन है हमारा वो चांद पे पहुंच चुका है और ये 6 दिसंबर के आसपास ये क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी नोटिफिकेशन ऐसे लेक्चर को आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।